दिलीप कुमार, आप सभी से 64वीं बीपीएससी पीटी में जो धांधली हुई है उसके संबंध में कुछ बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अप्रैल को हम लोगों ने महासत्याग्रह का आयोजन किया था। उस महासत्याग्रह के आयोजन के दरमियान जैसे ही हम लोग ऑफिस पहुंचना शुरू किए तो आयोग के अध्यक्ष महोदय ऑफिस छोड़ के चले गए और दोबारा आए ही नहीं, और वो हम लोगों से बात ही नहीं करना चाहते। बात इसलिए नहीं करना चाहते क्या कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। बीपीएससी द्वारा लगातार इस तरह की गलती की जा रही है। 48 से 52वीं में किया गया था, 53 से 55वीं में। अगर उस समय इस समस्या का समाधान हो गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका अस्थायी समाधान हो, और इसका अस्थायी समाधान तभी होगा जब बीपीएससी को इसका सबक मिले, और सबक इस सेंस में मिलेगा जो बीपीएससी ने गलती की है उसकी सजा उसे मिले, और जितना क्वेश्चन गलत है और डिलीट किया गया उतना कट ऑफ नीचे करके या तो रिजल्ट एक्स्ट्रा दे या फिर से आंसर की जारी करे और संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करे। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये किताब मैंने नहीं छापी है, ये किताब भारत सरकार की किताब है, और इस किताब में जो महिला साक्षरता का दिया गया है उसको नहीं माना जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। तो आखिर हम लोग किस किताब से पढ़े? एक और देखिए, ये आर्थिक सर्वेक्षण है बिहार सरकार का, जो कि विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण, उसके डाटा को नहीं मान रहे। तो आखिर हम लोग क्या पढ़े? यानी कि बीपीएससी का सीधा कहना है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री उन्होंने बराक ओबामा को मान लिया तो हम लोग को भी बराक ओबामा ही मानना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी को नहीं मानना पड़ेगा। तो अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री हम लोग नरेंद्र मोदी जी को अभी माने या बराक ओबामा को माने। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो लगातार आ रही है, और इसलिए हम लोग इस सत्याग्रह को आगे भी जारी रखेंगे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को इस समस्या से न जूझना पड़े। और हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि पेटिशनर को रिजल्ट हो जाए या कुछ रिजल्ट दे जाए, नहीं, जो गलती हुई है, जो अनियमितता बरती गई है उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, और उसके लिए हम सभी को एकजुट रहना पड़ेगा। और इस सत्याग्रह को हम आगे भी जारी रखेंगे, और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जीत जब तक नहीं मिलती है तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। और इस सत्याग्रह के अगले चरण में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस लेटर को लिखिए। और लेटर का प्रारूप हमने इस तरह तैयार किया है, आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से, और मैं चाहूंगा कि इसमें आप लोग कोई संशोधन ना करें या एक्स्ट्रा कुछ ना जोड़े। जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह आप लोग भी इसका प्रिंट आउट निकलवा के सेम इसमें सिर्फ एड्रेस अपना नाम सही सही लिखिएगा, और पर्सनली आप लोग भेजिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजिए और हर आदमी भेजिए ताकि आगे ये गलती ना हो। अगर मान लीजिए सपोज 5000 लेटर भी इस तरह का पहुंच जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस स्वतः संज्ञान लेंगे और बीपीएससी पे कार्रवाई जरूर करेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस लेटर को आप लोग भेजिए, इसमें एड्रेस और नाम सही सही आप लोग लिखिएगा, गलत नहीं लिखिएगा, सही सही लिखिएगा। और सोमवार को कोशिश कीजिए कि एक साथ सारे जगह से लोग भेजिए। अगर सोमवार को नहीं भेज सके, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो, तो मंगलवार को भेजिए, बुधवार को भेजिए, लेकिन भेजिए, हर आदमी भेजिए। आपके नजदीक में जो भी पोस्ट ऑफिस हो वहां से आप भेजिए, इसमें तो कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं आएगी। अगर आप रोड पे आंदोलन के लिए नहीं आते फिर भी आप इस लेटर को भेज सकते हैं, और चीफ जस्टिस को भेजने में कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सही से लिखा गया और ये अनियमितता बरती गई है बीपीएससी के द्वारा, इसके खिलाफ हम लोग लिख रहे हैं। और हर आदमी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इसको भेजिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसके एड्रेस पे मैं सब कुछ आप लोग को व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह सेंड कर दूंगा, उसको आप देख के हूबहू आप लोग उसको भेजिए। जो लोग इंग्लिश मीडियम में भेजना चाहते हैं उसको, वो लोग इसी को इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट कर लें और भेजे, या फिर हिंदी मीडियम में भी भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस अन्याय को सहिए मत, क्योंकि अगर अभी हम लोग इस अन्याय को सहेंगे तो आगे भी अन्याय होता रहेगा, अगले एग्जाम में भी। और इसलिए ये ना सोचे कि 65वीं का वैकेंसी आ रहा है तो उसमें लगते, नहीं, उसमें तो और ज्यादा उसमें धांधली होगी, क्योंकि उसमें सीट भी ज्यादा रहेगा और पोस्ट भी अच्छे अच्छे रहेंगे, तो इसलिए उसमें और ज्यादा धांधली होगी। इस बात को मन से निकाल दीजिए कि अगला एग्जाम है तो उसकी तैयारी करें। अगर अभी इससे नहीं लड़िएगा तो आगे और ज्यादा समस्या बढ़ती जाएगी, इसलिए आप लोग इस लेटर को जरूर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजिए। और हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, फिर से एक बार आंदोलन होगा, महासत्याग्रह होगा बीपीएससी ऑफिस के आगे, और हम लोग बीपीएससी की तानाशाही और मनमानी के खिलाफ लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और आंदोलन की रूपरेखा और तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जरूर इस लेटर को भेजिए अपने अपने सही एड्रेस और नाम के साथ। जय हिंद।